दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वीकनेस के लिए मेडिसिंस बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको तीन होम्योपैथिक मेडिसिंस के कॉम्बिनेशंस बताऊँगा, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी वीकनेस काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो के तीन पिलर आप मान के चलिए। सबसे पहले, आपको अगर लॉस ऑफ लिबिडो है, इसका मतलब ये है अगर आपके अंदर इच्छाएँ कम हो गई हैं, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है, लॉस ऑफ लिबिडो है या फिर आपकी उत्तेजना कम हो गई है, तब ये मेडिसिंस आपको यूज़ करनी है। सेकेंड है कि आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शन ठीक से नहीं आती है, तनाव ठीक से नहीं आता है, तब ये मेडिसिंस आपको यूज़ करनी है। और नंबर थर्ड, अगर आप इम्पोटेंट हो गए हैं, आपको इम्पोटेंसी हो गई है, मतलब आपको कंप्लीट नपुंसकता होने लगी है और आपकी टाइमिंग काफ़ी कम हो गई है, तो ये तीन पिलर हैं और तीन होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कौन सी मेडिसिन किस तरीके से ली जाएगी, उसकी डोज आपको जानने को मिलेगी वीडियो के लास्ट में, तो कंप्लीट आप वीडियो को देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको मेडिसिन इसमें यूज़ करनी है, इसमें कैलेडियम आपको यूज़ करनी है। कैलेडियम आपने शायद इसका नाम पहले भी सुना हो, तो आप इसको पोटेंसी में यूज़ ना करके आप इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल कीजिए। तो कैलेडियम मदर टिंचर में एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि पेशेंट जब नींद में होता है, ड्यूरिंग स्लीप उसको इरेक्शन आती है, बट जैसे ही वो जागता है और उसकी इरेक्शन चली जाती है। इसी के साथ साथ जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होता है तो उसको इरेक्शन नहीं आ पाती, तो ये बहुत कॉमन से सिम्टम मिलता है जिन लोगों को इम्पोटेंसी है, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ देखने को मिलता है यहाँ पे कंप्लीट इरेक्शन आनी बंद हो गई है, मतलब थोड़ी सी इरेक्शन आती है और वो बंद हो जाती है। इसी तरीके से जिस पेशेंट को स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम रहती है कि पेशाब के साथ कोई चीज़ जा रही है, चिपचिपापन जा रहा है, तो वहाँ पे भी आप ये मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपको परेशानी है, आप ये मदर टिंचर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो दोस्तों पहला मदर टिंचर। स्पेसिफिक एक्शन इसका हम मानते हैं कि मेल जेनिटल्स पे और रेस्पिरेटरी पे। सेकेंड है दोस्तों, इस पर हम बात करते हैं योहम्बिनम मदर टिंचर, ये भी काफ़ी अच्छा है, खास करके जहाँ पर इच्छाएँ ख़त्म हो गई हैं, लॉस ऑफ लिबिडो है, मन नहीं करता, डिज़ायर काफ़ी कम हो गई है, अब वो चाहे मेल के अंदर हो या फिर फीमेल के अंदर हो। फीमेल के अंदर देखते तो इस तरह की कंडीशन में डामियाना बहुत अच्छा काम करता है, मेल के अंदर हम देखते तो योहम्बिनम मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम भी करता है, तो ये मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी है। तो ये दोस्तों योहम्बिनम मदर टिंचर जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो डिज़ायर है वो आपकी जागनी शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे करके वो नॉर्मल बैलेंस आपकी हो जाएगी। नंबर थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें है टाइटेनियम मेटालिकम। टाइटेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसको लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करें। आपको अगर ये 3x में मिल रही है, आप इसको 3x में इस्तेमाल कीजिए, या आपको अगर 6x में मिल रही है, आप इसको 6x में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये टैबलेट्स फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये तीनों मेडिसिन होम्योपैथिक हैं, या आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के पास मिल जाएगी। नहीं मिलती हैं तो आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आप इसको किस तरीके से मेडिसिन को यूज़ करेंगे और कौन सी मेडिसिन कितने रुपये की आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेडिसिन मैंने इसमें बताई है आपको, कैलेडियम बताई है, तो कैलेडियम आप लाएंगे 30 ml की, अच्छी कंपनी की लेंगे तो ये लगभग आपको 300 रुपये की मिल जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी डोज काफ़ी कम ली जाती है, आप इसकी केवल 5 बूंदें दिन में 3 बार 2-3 चम्मच पानी में खाना खाने के बाद आप इसको डाल के ले लीजिए। ताज़े पानी में आपको मेडिसिन यूज़ करनी है, ठीक है। ये पहली मेडिसिन। नंबर सेकेंड मेडिसिन जो मैंने आपको योहम्बिनम बताई है, इसके रेट भी सेम है, ये भी लगभग आपको लगभग 300 रुपये की आपको मिलेगी, अच्छी कंपनी की लेंगे तो 300 रुपये की आपको मिलेगी। इसकी जो आपने डोज लेनी है 10-10 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। प्रॉब्लम कम है, समय कम है, तो 10-10 बूंदें दिन में 2 बार लीजिए। उसी तरीके से कैलेडियम भी आप 2 बार दिन में ले सकते हैं। तो योहम्बिनम और कैलेडियम मदर टिंचर लीजिए, आपस में मिक्स करके आप इसको मत लीजिए। दोनों मेडिसिन में आप लगभग 1 घंटे का गैप जरूर रखें। दोनों मेडिसिन आपको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है ताज़े पानी में। नंबर थर्ड और लास्ट मेडिसिन है जो कि है टाइटेनियम, आप इसको लीजिए, टैबलेट्स मिलेंगे आपको ये। इसके आपने एक बार में 2 टैबलेट सुबह शाम खाने से पहले आपको ये मुंह में ऐसी डालनी है, चबानी नहीं है, चूसने के लिए है, मुंह के अंदर ही घुल जाएगी। तो खाने से आधे घंटे पहले आप ये मेडिसिन यूज़ कीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद वो दोनों मेडिसिन यूज़ कीजिए, और दोनों मेडिसिन में आप लगभग आधे घंटे या 1 घंटे का आप गैप रख लीजिए। सुबह शाम लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट लगेगा। प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर ली हैं, होम्योपैथी की भी टॉप आपने मेडिसिन यूज़ कर ली हैं, तो आप इन तीनों को यूज़ कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर
एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो इससे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। टाइटेनियम आप लाएंगे लगभग 170 या 180 की लगभग आपको मिल जाएगी और जितनी भी मेडिसन्स हैं लगभग ये आपके लगभग 20 से 25 दिन चलेंगे, ठीक है। और रिजल्ट आपको दूसरे तीसरे दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा, आपके डिज़ायर में फ़र्क पड़ जाएगा और आपके अंदर जो जो कमियाँ हैं वो फिल होनी शुरू हो जाएंगी और आपको 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कंटिन्यूसली आप इनको यूज़ करें, 1 से 2 महीना आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। इन मेडिसन्स का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों एक कंडीशन और आती है कि आपने काफ़ी सारी मेडिसन्स यूज़ कर ली हैं, आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, आराम नहीं हो रहा है, आपने ये मेडिसन्स भी यूज़ कर ली हैं, होम्योपैथी की और भी मेडिसन्स यूज़ कर ली हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो कि आपके सारे सिम्टम्स पूछ के आपको मेडिसिन दें, ठीक है। आप उन्हीं से ट्रीटमेंट लीजिए। आपके आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो दोस्त मेरे से डायरेक्टली फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो वो कॉल मी फोर ऐप से मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं जैसे और दोस्त करते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।